जी दोस्तों, आपको ना उस्ताद जी के जो बड़े नायाब कबूतर हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं, उनका शौक करवाएंगे। साथ साथ बात भी जारी रहेगी, वीडियो में जुड़े रहिएगा। मोकम भाई, ये कौन सा आपका बर्ड है? ये मेरे जुगनू कबूतर हैं। ठीक है जी, तो आंख का शौक करें जी दोस्तों। ये चलो दोस्तों पर का शौक दस करा। नंबर कबूतर ले आओ यार, चलो यही दिखा देते। जी उसका भी शौक करवाएंगे आप। माशाल्लाह जी, ये भी जुगनू ब्रीड है जी। यार वो अगले केस से लाओ ना, बारा वो नेक्स्ट केज में से दो नर पकड़ के लाओ। जी ये तस्वीर वाले कबूतर हैं, इनका नाम जुगनू रखा हुआ हमने। ज़मीन आपके कबूतरों की बड़ी वाइट आ रही है। हाँ जी, मुझे पसंद ही वो हैं जिनकी वाइट ज़मीन है। इसकी इसकी क्या लॉजिक है थोड़ी सी ज़रा? ये कबूतर माशाल्लाह वापसियां भी बहुत करते हैं, परवाज भी बहुत होती और जिनकी आंख मुकम्मल रेड बन जाती है, उनका क्या नुकसान होता है? है। परवाज में ये कबूतर देखेंगे इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। दिखाइएगा जरा। माशाल्लाह जी, ये हमारे आगे रेड बुल छट्टों वाले कबूतर। जी दोस्तों आंख का शौक करें, ये रेड बुल ब्रीड है मोकम भाई की। पल्ला देखें जी, टैडी लेके आओ। ये दिखाएं करें शो आप। जी दोस्तों, ये टैडी हैं जी आपके? हाँ जी। इनको क्या नाम दिया हुआ आपने? इनको ये तो परवाना कबूतर है, परवाने टैडी। वो एक जादूगर नारा आ रहा, वो भी आपको दिखा। जी दोस्तों, ये उस्ताद मोकम साहब के
परवाना टैडी ब्रीड बनाई हुई है उन्होंने। ये भी मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन में? हाँ जी, ये उनके काबक वाले जो कबूतर थे। देखें दोस्तों, पार की सिमेट्री देख लें आप और ट्रांसपेरेंसी देखें इसके परों में, ये बैलेंस। ये दोस्तों पंजों का भी शौक कर लें। काले लाओ दोनों नस, ये है जी जादूगर टैडी, सलारे टैडी। कैमरा जरा करीब आए जी, ये मोकम भाई के जी जादूगर टैडी के कबूतर है। ये इसका पर देखें, ये लें जी, ये डबल है, ये उस्ताद जी के डब वाले कबूतर हैं जी। ये देखें जी कलर देखें, ये इसका पर है। तमाम तर जितने भी अब तक आपके दोस्तों कबूतर दिखाए गए हैं उसमें परों की एक बड़ी खसूसियत आ रही है जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये देखें, अक्सर दोस्त कहते हैं जी पर को इतना खोलना नहीं चाहिए, लेकिन पर को खोल के भी पता चलना चाहिए। ये देखें, किसी जगह पे कोई स्पेस आपको कोई खला नज़र नहीं आ रहा, ये पूरा इसका पर खुला हुआ है। और इसकी बगल देखें ऊपर आ रही है मुकम्मल, माशाल्लाह। ये ले, ये वाले कौन से हैं उस्ताद जी? ये वही डबल है, ये भी डब वाला बिंदा है जी। माशाल्लाह जी, इसको 7 नंबर में से 2 चीने ना ले आओ। इसका आप खुद तारफ करवाएं, ये जो आपने पकड़ा हुआ। हाँ जी, ये हमारे स्लेटी बिच्छू है जी, इसका शौक भी करवा दें जरा जी। दोस्तों बड़े नाम वाली ब्रीड है ये उस्ताद जी की। उस्ताद जी ये परों में 8वें पर का क्या कमाल है? बस 8वें पर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, जितनी इसकी आ रही है या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। देखें 8वां पर 9वें के बिल्कुल साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसका क्या रिजल्ट मिलता है? उसका और अच्छा रिजल्ट होता है, परवाज़ में या बुलंदी में। बाकी ये लाजमी ही नहीं है, कोई हतमी बात नहीं है, ठीक है। लोग बड़े दावे से बातें कर देते हैं पर सारे उड़ जाते हैं, हमने तो सारे उड़ते देखे हैं। ये ले, देखें जी दोस्तों, यार ये स्लेटी इतने ले आए, इनको छोड़ो,
काले दिखा दो दो जी दोस्तों, शो करें आंख का। इंतहाई चमकदार आंख है। ये पर देखें जी, बहुत ही खूबसूरत पर लगे हुए उस्ताद जी के कबूतरों को। ये देखें दोस्तों, ये पर का शौक करें। ये ले भाई, ये पकड़ ले। माशाल्लाह जी, अल्लाह अकबर। जी दोस्तों, इसकी आंख जरा देख लें। ये इसका दूसरा पार है। हो गए अगर यानी पॉज करके सामने। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी। इतने मुख्तसर से वक्त में हमने कोशिश की है कि आपको आगाही के लिए, जो नए दोस्त शौक करते हैं उनके लिए, अच्छे जोड़े लगाने के लिए, परख के लिए काफ़ी बातें इन शॉर्ट में मैंने की हैं, और उस्ताद जी ने भी उनका जवाब बड़ा अच्छा दिया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। उस्ताद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। कोई एक मैसेज दे दें जो शौक करने वालों के लिए। हमें आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास आए। तो बाकी सब देखने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा मुस्बत और अच्छी बात किया करें। इस शौक में नेगेटिव पहलू को नहीं लाना चाहिए, और उस्ताजा की इज्जत करें, ठीक है। और शौक़ से हमारे एक अच्छा मैसेज ही सबको जाना चाहिए, लड़ाई झगड़े और ये इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। और ये जो पोस्टें लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है, ये बड़ी गैर मियारी सी बातें, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जो इज़्ज़तदार बंदा होता है वो दूसरे की भी इज़्ज़त का ख्याल रखता है। तो बस यही मैसेज है सब दोस्तों के लिए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात की उस्ताद जी ने कि अपनी सोच को मस्बत रखें और उसी बुनियाद पे अपने शौक़ को अच्छा बनाएं, अच्छा करें, अच्छाई बांटें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आने वाली वीडियो तक के लिए अजमत नकवी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।